इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही कि सर गर्मी बढ़ी, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना, सिर्फ काम याद आ रहा है। 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है, 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नलायक अब तो पढ़ लिख लिया, 99 बच्चों को मन नहीं करता, जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है। और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं, दुकान खोलते हैं मजबूरी में, धंधा कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी कितने पैदा हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट है, ये सारे काम तो मजबूरी के हैं, तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। कोई क्या बोलेगा? देखो इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत से काम करते, जो मोहब्बत से काम करते। आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैंने साइकिल चलाना किताब पर के सीखा, आपने बाइक चलानी सीखी, लेकिन क्या कार चलाना साइंस नहीं है? विज्ञान तो पूरा पूरा विज्ञान है, लेकिन क्या उस विज्ञान को सीखने में आपको पढ़ाई करनी पड़ी? आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। गरीब तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसने पास में एक भी गलती नहीं की है, आप साली नालायक पैदा हो। तुमने गलती नहीं की, कैसा जीवन जिया तुमने? कोई गलती नहीं, कैसा जीवन जिया तुमने? किसी का पीछा नहीं किया, गलती नहीं की, दो चार गाली नहीं दी, किसी से लड़े नहीं, जी भी रहे थे। क्या कर रहे थे? कोई लफड़ा ही नहीं हो तुम्हारे जीवन में, यानी तुमने कुछ किया नहीं। लफड़ा उसके जिंदगी में जिसने कुछ उल्टा सीधा किया, और उल्टा सीधा करने के लिए जिगरा चाहिए सर, है कि नहीं? जिगरा चाहिए ना। जब आपको खुद ही विश्वास नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं, तो खुदा क्या उखाड़ लेगा? कोई भी प्लान क्या कर लेगी आपके लिए? कोई अपलाइन क्या कर लेगा? कोई ट्रेनर क्या कर लेगा? कोई किताब क्या कर लेगी? जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू बड़ा बन सकता है, जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू करोड़ों कमा सकता है, तो इसके लायक है। अच्छा, इंसान को चीजें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि मिल रहा है। आप किसी से बोल दिया बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, कहा है आप, उसको विश्वास ही नहीं कि मैं स्मार्ट। आप बोले आप कमाल का काम कर सकते, उसको विश्वास ही नहीं है। और सारा ज्ञान बाद में, सारी चीजें बाद में, पहले आपके विश्वास खड़ा होगा कि आप अपने आप को लायक मानते भी हैं या नहीं मानते। अगर लायक मानते हैं तो दुनिया की हर चीज आपको मिलेगी, और अगर लायक मानते ही नहीं तो दुनिया में कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। ये हमेशा याद रखिए, ये लायक मानने का। हर इंसान अमीर बन जाएगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी? हर इंसान अमीर होगा तो दुनिया नहीं चलेगी, बन ही नहीं सकता। हर इंसान जो नेक बत आखिरी में जुड़ा है वो करोड़पति नहीं बन सकता। संभावना है लेकिन वो बनेगा नहीं, बनने की संभावना है बनेगा नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया सिर्फ आपको इतना देगी कि आप ये बन सकते हैं। जमाने का काम इतना है कि आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं, आप बिजनेसमैन।